नारी नीति बाणी पाठ बाणी संख्या 27 और 28। गुप्त पुरुष कांख्या, जब ही देखोगी पुरुष संस्रव तुम्हें अच्छा लग रहा है, अज्ञात भाव से कैसे पुरुष के बीच जाकर गपशप में प्रवृत्त हो रही हो, समझोगी पुरुषाकांक्षा ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से तुम्हारे अंदर सर उठा रही है। यद्यपि स्त्री पुरुष दोनों का ही प्रकृतिगत एक झोंक होता है, एक दूसरे के संस्रव में आना फिर भी दूर रहोगी, एक दूसरे के संस्रव में आना फिर भी दूर रहोगी। अपने को संभालो, अन्यथा अमर्यादा तुम्हें कलंकित करने में बाज नहीं आएगी। वाणी संख्या 28। ईर्ष्या और दोष दृष्टि। ईर्ष्या असहानुभूति और दोष दृष्टि का एक प्रधान कारण ही होता है। एक को जो अच्छा लगता है वो दूसरे को अच्छा लगने के बजाय अहं को आहत उद्विग्न अवसन्न कर देता है, और यह उभयत्व उसके ही फलस्वरूप अपवाद और ईर्ष्या से अप्रतिष्ठा आकर दोनों का ही अपलाप लाना चाहती है। तुम किंतु दूसरे को जो अच्छा लगे उसमें आनंदित हो, सहानुभूति दो, यदि तुम्हारी क्षति भी करे उसकी अवस्था प्रयोजन एवं बोध के प्रति नज़र रखकर, वहाँ तुम्हारी यदि वैसी अवस्था होती तो तुम भी वैसा ही करती, बोध कर उसकी निंदा या अख्याति ना करो, और यह तुम चरित्रगत करने की चेष्टा करो, देखोगी प्रतिष्ठा पाओगी, स्वस्ति तुम्हारी अभ्यर्थना करेगी। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु।